अगली खबर झारखंड से आ रही है, जहां सरायकेला जिले के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में हाथियों के उत्पात से लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। इलाके के किसानों का कहना है कि हाथियों का झुंड आए दिन खेतों में लगे फसलों को बर्बाद कर रहा है। फिलहाल स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है। वहीं बताया जा रहा है कि हाथियों के उत्पात के कारण लोग रात को पहरा भी दे रहे हैं, ताकि खेतों में लगे फसलों को हाथियों से बचाया जा सके। आज रात को हाथी पूरा 25-30 गो आया था, और पूरा रात भर पूरा छान मारा है। कभी आलू, वही पालक साग, लौकी पूरा ख़त्म कर दिया है। राहर हाँ, हम लोग का क्षतिपूर्ति चाहिए जितना। इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ सरायकेला से हमारे संवाददाता विद्युत जुड़ चुके हैं। विद्युत, वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है, उत्पात हाथियों द्वारा लगातार मचाया जा रहा है। इससे पहले भी कई बार खबरें आ रही हैं, लेकिन वन विभाग को सूचना दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग ने अब तक इस पर कार्रवाई नहीं की। फिलहाल अब तक क्या कुछ निकलकर वहां से सामने आ रहा है? विद्युत जी, ऐसे तो देखा जाए तो हाथी की रेड क्षेत्र ये बन गया है ऐसे, और अभी तक वन विभाग अपना जो भी काम कर रहा है, बस आता है और गाँव वाला को, ग्रामीण को थोड़ा बहुत झांसा दे के निकल जाता है, इसका सब कुछ होगा। जैसे ग्रामीण जैसे गए थे उधर, तो ग्रामीण का कहना है कि कुछ भी ऐसा जो भी क्षति पहुंचाता है मुआवजा के लिए, ग्रामीण जब बोलता है वन विभाग वाले को, जो भी अप्लाई करता है, लेकिन उन लोगों को सही मुआवजा भी नहीं मिल पाती है। तो क्या ग्रामीणों को अब तक इस पर कोई मुआवजा भी मिला है क्या? मुआवजा कुछ को मिलता है, कुछ को और कुछ को नहीं मिलता है, सभी को मुआवजा नहीं मिल पाती है। और न ही हाथी को भगाने के लिए उधर से कुछ वन विभाग की तरफ से अभी कुछ मिल रही है। तो फिलहाल अब तक वन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। विद्युत जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सरायकेला में हाथियों का आतंक लगातार जारी है, और वन विभाग इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं सरायकेला जिला के चांडिल थाना क्षेत्र के चिलगू भुइया डी के पुलिया पर एक सुमो अनियंत्रित होकर पुलिया के गार्डवॉल से टकरा गया, जिसमें दो महिला समेत तीन लोग घायल हो गए। वहीं घटना में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि घायल जमशेदपुर के रहने वाले हैं, जो पिकनिक मनाने के लिए चांडिल जा रहे थे। इसी बीच पुलिया पर यह सड़क हादसा हो गया, जिसमें गाड़ी पर सवार लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं। वहीं बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए नीतीश सरकार बड़े फैसले की तैयारी में है। बिहार में अब ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर पंचायत राज एक्ट 2006 में संशोधन करने की तैयारी है। राज्य के अंदर अब 7,000 से कम आबादी वाले गांव भी पंचायत बन पाएंगे। पंचायती राज विभाग में इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। कैबिनेट की सहमति के बाद संशोधन विधेयक बिहार विधानमंडल के आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा। सदन में पास होने के बाद यह संशोधन एक्ट का हिस्सा भी बन जाएगा। वहीं बीते साल आई कोरोना महामारी की वजह से स्कूली बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हुई। लंबे दौर के बाद किसी तरह अब छठी क्लास से ऊपर के बच्चों के लिए स्कूल गाइडलाइंस के तहत खोला गया है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं होने के कारण उनकी वार्षिक परीक्षा कैसे ली जाए, इसे लेकर सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। कोरोना संक्रमित देखते हुए सरकार प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को बगैर परीक्षा के ही प्रमोट करने की तैयारी में है। वहीं शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अब भी जारी है। आपको बता दें कि फिलहाल पीड़िता अस्पताल में भर्ती है। अगली खबर भी शेखपुरा से है, जहां एसपी ने साइबर क्राइम के दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि जिला में साइबर क्राइम के साथ साथ अपराध भी चरम सीमा पर था, लेकिन एसपी कार्तिकेय शर्मा के आते ही अपराध के ग्राफ काफी कम हुए हैं। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गिरफ्तार दो ठगों के पास से 7 आधार कार्ड, 16 मोबाइल, 6 वोटर कार्ड, 3 पैन कार्ड, 15 पासबुक, 1 चेकबुक और 6 ATM बरामद किए गए हैं। कार्ड वगैरह से तो किसी फर्जी नाम से मंगवाते थे, गांव में ही मंगवाते थे तो फर्जी एड्रेस पे होता था। इनके फ़ोन पे भी जो पेटीएम का पाया गया है वो भी कुछ फर्जी नाम पे था, तो इसके तहत अभी काफ़ी लोगों के जुड़े हुए होने की संभावना है। ना कोई डॉक्यूमेंट है, पर इनके द्वारा संचालित किया जाता था, ATM भी इन्हीं के द्वारा चलाया जाता था, और उस ATM से पेटीएम पे किया जाता था। वो पेटीएम
वहीं लखीसराय में बिहार पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए 15 पिस्टल, 3 मैगजीन के साथ 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ और एसएसपी ने कार्रवाई की। ये तस्वीर जो जिस गाड़ी से आने की इनपुट थी उसके लिए लोग वेट कर रहे थे, थोड़ी देर में वो गाड़ी गुजरी, उसको हम लोगों जो एक झारखंड नंबर की सफारी गाड़ी है उसको पकड़ा गया। वहाँ चेक करने पे कुछ नहीं मिला, फिर उसको थाना, चूँकि हमें इनपुट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, तो उसे थाने पर ला कर जब चेक किया गया है तो एक बॉक्स बनाया गया है और उस बॉक्स में लगभग क्या 15 ये पिस्टल है और उसके साथ हर पिस्टल के साथ दो दो मैगजीन। वही मोतिहारी में दबंग भू माफियाओं ने पूजन सामग्री बेचने वाली वृद्ध महिला की दुकान पर कब्जा कर लिया। बताया जा रहा है कि भू माफियाओं ने वृद्ध महिला के साथ मारपीट भी की। यहां तक कि थाने में शिकायत करने पहुंची महिला के साथ दबंगों ने पुलिस के सामने ही मारपीट की। वहीं इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। विधायक जो है कुछ दिन पहले, महीना दो महीना पहले, ये लोग को बुलाकर सम्मानित किया मौजे में। और सम्मानित करने के बाद में ये दलाल लोग का अड्डा बनाकर रखा है, रंगदारी उठवा रहा है, दुकान लुटवा रहा है। हम लोग यहाँ का आम जनता है, इसके विरोध में अगर उन लोग का अरेस्टिंग नहीं होगा। वही मधुबनी के जयनगर के हरलाखी थाना क्षेत्र के बेला टोला के पास सड़क दुर्घटना में ऑटो चालक की मौत हो गई। आपको बता दें कि ऑटो चालक की पहचान स्थानीय निवासी राजकिशोर महतो के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ऑटो पलटने के कारण ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। वहीं ऑटो में बैठी 2 अन्य महिला भी गंभीर रूप से घायल हुई है। वहीं झारखंड के लातेहार जिले में शाम हिंदू युवा वाहिनी ने दिल्ली में रिंकू शर्मा की हुई निर्मम हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। ये मार्च शास्त्री चौक से शुरू होकर बाजार भ्रमण के बाद वापसी शास्त्री चौक पर ही पहुंचा। इस दौरान में संगठन के कार्यकर्ताओं ने रिंकू शर्मा की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। वहीं इस मार्च में बड़ी संख्या में बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अगली खबर भी लातेहार से आ रही है, जहां पर जिले के तेतरिया खाड़ केलियरी में कार्यरत होमगार्ड के जवानों ने पीसीएल के रवैये के खिलाफ पीओकेवी सिंह को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि होमगार्ड जवानों ने सीसीएल प्रबंधन पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही जवानों ने सैलरी नहीं मिलने की भी शिकायत की। वहीं जवानों ने ज्ञापन के बाद प्रबंधन को कार्रवाई का भी आश्वासन दिया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस भवन में NSUI ने नौकरी 2 डिग्री वापस लो मुहिम शुरू किया है। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत ने बीजेपी पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। वहीं NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आमिर हाशमी ने बताया कि इस मुहिम में बेरोजगार युवा मिस कॉल कर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं सरायकेला जिले के टीकर पंचायत सचिवालय में तेजस्विनी प्रोजेक्ट की ओर से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान प्रोजेक्ट के महिला पर्यवेक्षिकाओं को मोबाइल ऐप संचालन करने के संबंध में जानकारी भी दी गई। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। धन्यवाद।